दोस्तों आप ये नज़ारा देख सकते हो, ज़बरदस्त नज़ारा है। मतलब ये विंटेज पॉइंट है जहाँ से ये सब दिखता है। बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। नरेश भाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। होप तो मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने अभी कैमरा वाटरप्रूफ केस में रखा है क्योंकि बारिश है। तो आज हम जा रहे हैं एक रैली के लिए, इट इज सेव द अर्थ रैली विच इज इन बांद्रा। सुबह के अभी 6 बज रहे और ये रैली है 6:45 की। होप तो हम 6:45 तक पहुँचे वहाँ पर। वैसे तो गूगल दिखा रहा है 32 to 34 मिनट्स। गणपति बप्पा मोर या मंगल मूर्ति मोर या बोल अम्बे माता की जय, हर हर महादेव। तो भाई जस्ट हाईवे टच किया मैंने और मुझे ध्यान में आया कि हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगा यार। तो हेलमेट का स्ट्रैप ज़रूरी है, सिर्फ हेलमेट ज़रूरी नहीं है, अगर स्ट्रैप रहेगा तो ही हेलमेट जगह पे रहेगा। चलो फिर अभी निकलते हैं, स्ट्रैप लगा दिया मैंने। तो अभी हम हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, बस घर से नज़दीक है मेरे ये हाईवे। तो जब हमने हाईवे टच किया और हवा जैसे हवा का झोंका आया तो स्ट्रैप हिलने लग गया, तो ये पता चला कि स्ट्रैप नहीं लगा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। आप देख सकते हो पीछे का लोकेशन कितना खूबसूरत है। तो मैंने एक्शन कैमरा पे भी ओपनिंग दी थी, लेकिन थाने में बारिश हो रही थी और एक्शन कैमरा मैंने वो वाटरप्रूफ केस में रखा था, तो शायद से मेरा आवाज़ कैप्चर हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, इसलिए मैं ये सेकंड टाइम ओपनिंग दे रहा हूँ। तो वेलकम टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं बांद्रा में, आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा। तो ये है बांद्रा रिक्लेमेशन और ये रोड जो सामने जाता है ये जाता है सीलिंग। तो हम यहाँ पे आए हैं एक रैली के लिए। तो रैली है सेव द अर्थ रैली, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम अटेंडिंग इट। पिछले साल भी हम आए थे लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो अभी हमारे दोस्त कुछ आए हैं, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। गाइस, रोहन भाई, रॉसी भाई, यू नो रॉसी रोजारियो फर्नांडिस, बहुत परेरा, सॉरी भाई फर्नांडिस नहीं परेरा है, वो क्या हो गया फर्नांडिस परेरा में ना थोड़ा प्रॉब्लम। तो अभी बाइकर्स आ रहे हैं एक एक करके, लाइनअप हो रहा है। 6:45 द रैली इज सपोज, सॉरी 7:00 द रैली इज सपोज टू स्टार्ट। तो दोस्तों आप ये नज़ारा देख सकते हो, ज़बरदस्त नज़ारा है। मतलब ये विंटेज पॉइंट है जहाँ से ये सब दिखता है। बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। चलो हम बाइक पे आए हैं तो वहाँ पे हमने सुबह का वक्त है वहाँ पे लगा दिया, वरना यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होता है पार्किंग का। अरे चिल्लाओ ना और जोर से। गाइज अपने दोस्तों का है, बहुत दूर से आते हैं, उल्लासनगर, कल्याण, बदलापुर बुलाने वाला मैं हूँ इधर। और ये इनके
नेता है। गाइस अभी ब्रीफिंग हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। रूट मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, वैसे भी मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मतलब पिछले बार जैसा मैं मार्शल नहीं हूँ, तो चलो फिर देखते हैं क्या रूट है। यहाँ से सब लोग सेटल अप हो गए, ऑलमोस्ट 60-70 राइडर्स होंगे। ये आगे जो है ये पेट्रोल व्हीकल है जो हमारे आगे चलेगी मुंबई पुलिस की, तो बस थोड़ी देर है, काफ़ी भूख लगी है, बहुत लेट हो गया। आइडियली ये राइड निकलने वाली थी 6:30 बजे और अभी हो रहे हैं 7:48, तो चलो कोई नहीं, वैसे भी हमें आज संडे है, कुछ इतना बड़ा कुछ काम तो करना नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा अपने दोस्तों के साथ भाइयों के साथ। तो गाइस ऑल सेट, स्टार्ट हो रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से, गाड़ी चालू कर दी है। चलो गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गाइस हम पहुंच चुके हैं और ज़्यादा नहीं, 5-6.5 किलोमीटर की कुछ राइड थी, 20-25 मिनट लगे हमको क्योंकि हम लोग स्लो चला रहे थे, 20 की स्पीड पे चल रहे थी। बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की। सो हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुँचे हैं, जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, बारिश शुरू हुई है तो शायद से यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह रहेगा, पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ। वॉशरूम जाना है और पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। बाय, टेक केयर। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्लान ये है कि बीच पे जाएंगे, तो गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही है, आवाज़ आएगी नहीं मेरी, वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि वाटरप्रूफ केस में रखा है कैमरा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जू बीच पे, मतलब एग्जैक्टली ये जू बीच के आगे वाला हिस्सा है। जू बीच पे तो गाड़ियां पार्किंग करना वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा आगे आ गए। इस एंड पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, आप देख सकते हो बारिश की वजह से काफी तेज लहरें आ रही है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जू बीच, आप देख सकते हो पीछे लहरें काफी तेज है क्योंकि बारिश का मौसम है और या भी अभी बीच में पानी में जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द रफ वेदर। ये नज़दीकी यहाँ पे जू एरोड्रोम है पवन हंस वाला, तो ये उन्हीं का हेलीकॉप्टर है। तो गाइस अपनी और लोग हमको ज्वाइन हो रहे हैं अभी यहाँ पे, नरेश भाई ऐसा बोल रहे हैं, नरेश भाई किसको लेके आ रहे? तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इतने सारे बाइकर्स के साथ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनके साथ मैंने पहले भी राइड की है लेकिन बहुत महीनों के बाद वो मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और एक नई
राइड की भी प्लानिंग चल रही है जो ग्रुप राइड रहेगी, लेकिन लंबी रहेगी। हम अभी ये छोटी छोटी राइड करके परेशान हो गए, परेशान ऐसे चलो ठीक है, संडे अच्छा कटता है, लेकिन हम इस एक्सपीरियंस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक दिन के जगह पे 3-4-5 दिन, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं हम सफल होते कि नहीं इस प्लानिंग में। तो गाइज अभी हम बीच पे आ चुके हैं और बस ऐसी टहल रहे हैं, बस बीच का मज़ा ले रहे हैं, समुंदर का मज़ा आप देख सकते हो। सो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।